फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम वन पीस कमोर शीट फिटिंग किस तरह से की जाती है, शीट फिटिंग करने के लिए हमें क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होती है, हैंड शावर कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, फ्लश टैंक कनेक्शन किस तरह से किया जाता है, जेड स्प्रे फिटिंग किस तरह से की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के स्टूडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक वन पीस शीट है और यह फ्लोर पाइप है जिसमें हमें शीट को फिट करना होगा। सबसे पहले हम मटेरियल्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या सामान की हमें रिक्वायरमेंट होगी शीट फिटिंग करने के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे पास सभी जेड स्प्रे, हैंड शावर, एंगल कॉक रखे हुए हैं और यह हमारे पास एक गैस किट है। ठीक है, यह जो गैस किट है इसे हमें फ्लोर पाइप में लगाना होगी, जिसके ज़रिए जो लीकेजिंग की समस्या होगी वो लीकेजिंग की समस्या नहीं आएगी। तो ये हमारे पास गैस किट है और ये हमारे पास वाशर बोल्ट है जिसके ज़रिए हमारा कवर, जो सीट का कवर है, कवर फिट होता है। यह है हमारे पास एक टू इन वन एंगल कॉक है जिसमें हमें हैंड शावर और फ्लश टैंक का कनेक्शन करना होगा। देखिए, दो कनेक्शन इस सिंगल एंगल कॉक के ज़रिए हो जाएगा। इसके अलावा ये हमारे पास जेड स्प्रे है। देखिए, जेड स्प्रे की फिटिंग किस तरह से करना होगी यह भी हम समझेंगे। ये हमारे पास हैंड शावर है। देखिए, हैंड शावर लगाने के लिए यह लॉक दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम फ्लोर पाइप की जो देखिए लंबाई अभी हमारे पास फ्लोर से ऊपर है, तो फ्लोर पाइप की जो लंबाई से ज़मीन के लेवल तक हमें करना होगी। तो कटर के सहायता से देखिए, सबसे पहले फ्लोर पाइप की हम कटिंग कर लेते हैं। फ्लोर पाइप ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, जस्ट ज़मीन से हल्का सा ऊपर होना चाहिए। तो पहले हम फ्लोर पाइप की कटिंग समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसमें आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। देखिए, सबसे पहले फ्लोर पाइप की कटिंग कर दिया, पाइप को हमें फ्रेश एकदम कट कर देना है। यहाँ पर देखिए, हमारा पाइप एकदम कट हो चुका है, ज़मीन से लेवल से हल्का सा ऊपर है। अब हमें सबसे पहले शीट को यहाँ पर फ्लोर पाइप पर रख कर देख लेना है और मार्किंग ले लेना है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हमने देखिए शीट को हल्का सा आपको उठाकर सबसे पहले मार्किंग ले लेना है। तो देखिए, आपको इसमें एक या दो आदमी की आवश्यकता हो सकती है, उसे प्रॉपर उठाकर पहले इस तरह से मार्किंग ले लीजिए। देखिए, प्रॉपर पहले हमने शीट रखना है यहाँ पर। देखिए, शीट रखने के बाद आपको पानी डालकर देख लेना है, पानी आपका लीकेज तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले पानी डालकर देख लेते हैं। शीट को सबसे पहले रख लेना है, यदि कोई लीकेजिंग होती है तो यहाँ पर आपको पानी जाता हुआ नज़र आएगा। देखिए, अभी कोई पानी नहीं जा रहा, दैट मीन्स हमने जो शीट रखी है वह प्रॉपर रखी है। ठीक है, शीट के सबसे पहले हमने देख लिया, इस तरह से रख लेना है, पानी डालकर देख लेना है, कोई लीकेजिंग होगी तो पानी जाता हुआ नज़र आएगा। अब हमें यहाँ पर मार्किंग ले लेना है। पीछे की तरफ देखिए, हमें दो बोल्ट लगाकर शीट को प्रॉपर फिट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमें शीट की इस तरह से मार्किंग ले लेना है। आप किसी भी तरह से या तो चॉक का यूज़ कर सकते हैं, मार्कर का यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हमें मार्किंग ले लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए, आप हो सके तो बोल्ट का यूज़ कीजिए, बोल्ट को हल्का सा ठोक कर आप मार्किंग ले लीजिए या मार्कर का यूज़ कीजिए। ठीक है, शीट की और पीछे की तरफ जो दो बोल्ट है, दो बोल्ट की हमने मार्किंग ले लेना है। पहले शीट को प्रॉपर रखना है, उसके बाद मार्किंग लेना है। ठीक है, हमारी मार्किंग आ चुकी है। अभी हमें यहाँ पर देखिए ड्रिल कर लेना है। ठीक है, जो हमारे पास पीछे की तरफ जो बोल्ट की मार्किंग आई थी, यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें ड्रिल कर लेना है। और ये हमारे पास दो बोल्ट है। ठीक है, ये नॉर्मली 4 इंच के आते हैं, बट अभी के लिए हम यहाँ पर छोटे लगा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले हमें ग्रिप लगाना है। ग्रिप को इस तरह से जो बोल्ट होल किया है आपने, पहले ग्रिप को इस तरह से फिट कर लीजिए। ठीक है, ग्रिप को लगा लेना है। करीब यहाँ पर 3 से 4 इंच का बोल्ट आता है, बट अभी के लिए हमारे पास छोटा बोल्ट है। ये हमारे पास गैस किट है। ठीक है, गैस किट को देखिए इस तरह से पहले आप सभी कवर को रिमूव कर लीजिए और गैस किट को पहले इस तरह से फिट कर लीजिए। देखिए, हल्का हल्का आप इसे देखिए, नरम होता है, इसे ज़मीन से एकदम फिक्स कर दीजिए। ठीक है, गैस किट को पहले आपको प्रॉपर कर देना है इस तरह से, और हो सके तो हल्की सी इसके ऊपर सीमेंट भी लगा दीजिए ताकि गैस किट में जो लीकेजिंग की समस्या है वो बिल्कुल भी नहीं आए। पहले गैस किट को हमने अच्छे से कर देना है, फिर हल्की सी सीमेंट का यूज़ कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गैस किट प्रॉपर फिट हो चुकी है। अब हमें शीट को प्रॉपर यहाँ पर रख देना है। देखिए इस तरह से, एक आदमी की आपको आवश्यकता हो सकती है देखने के लिए शीट आपके प्रॉपर रखाई है या नहीं। देखिए, यहाँ पर पहले आपको शीट को एकदम प्रॉपर रख लेना है। देखिए इस तरह से, शीट को रखने के बाद पीछे की तरफ हमारे पास दो बोल्ट जो हमने यहाँ पर ग्रिप लगाई थी, ग्रिप को यहाँ पर फिट करने के लिए यहाँ पर दो बोल्ट को अच्छे से आपको टाइट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो जेड स्प्रे का कनेक्शन होगा। देखिए, जेड स्प्रे यहाँ पर होगा और पीछे की तरफ हमारे पास टू इन वन एंगल कॉक है। ठीक है, सबसे पहले हमने बोल्ट को अच्छे से पहले टाइट कर लेना है। टू इन वन हमारे पास एंगल कॉक है, इसमें हैंड शावर
और फ्लश टैंक का कनेक्शन होगा। पहले हम यहाँ पर 2-in-1 एंगल कॉक लगाने के लिए देखिए यहाँ पर एक निप्पल लगा लेते हैं। निप्पल पे सबसे पहले आपको अच्छे से इसे टाइट करना है और इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप ज़रूर लपेटिए, लीकेजिंग की समस्या नहीं होना चाहिए। देखिए अच्छे से पहले हमने निप्पल को टाइट कर लिया है, ये इसका कवर है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको अच्छे से टेफ्लॉन टेप लगाना होगी, करीब 10 से 15 राउंड तो आपको लगाना ही पड़ेगा ताकि वहाँ लीकेजिंग की समस्या नहीं आए, ठीक है। देखिए एंगल कॉक को आपको अच्छे से पहले फिट कर लेना है। देखिए दो यहाँ पर 2-in-1 एंगल कॉक है, एक एंगल कॉक में दो कनेक्शन हो जाएगा। नीचे की तरफ से हम फ्लश टैंक का कनेक्शन ले रहे हैं। देखिए फ्लश टैंक में नीचे की तरफ ये पाइप लगेगा और यह पाइप यहाँ पर लगेगा, ठीक है। फ्लश टैंक का कनेक्शन यहाँ से हम दे रहे हैं और इस पर अच्छे से आपको लॉक कर देना है, ठीक है। पाइप को देखिए यहाँ पर अच्छे से लॉक हो गया है, फ्लश टैंक का कनेक्शन हो चुका है सिंगल कॉक से। और यहाँ से हम हैंड शावर का कनेक्शन करेंगे और जब भी आप यह पाइप लगाएं तो इसमें आपको वाशर ज़रूर देख लेना है, वाशर आपको रखना ज़रूरी है। अभी हमें देखिए इस हैंड शावर को फिट करने के लिए लॉक लगाना होगा, तो ये हमारे पास लॉक है। इसे करीब एंगल कॉक से कम 6 इंच आपको ऊपर लगाना है, ठीक है। इस तरह से ये फिट हो जाएगा, हैंड शावर यहीं पर रहेगा। चलिए यहाँ पर हम पहले लॉक को लगा लेते हैं और इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं, ठीक है। पहले ड्रिल की सहायता से हमने टाइल्स में होल किया है और यहाँ पर इस हैंड शावर के कवर को पहले फिट कर लेते हैं। नॉर्मली ये जो हैंड शावर का कवर है इसे आपको जो आपने एंगल कॉक लगाई उसे ऊपर की तरफ लगाना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले इस कवर को लगा लिया है और इसकी प्रॉपर फिटिंग हो चुकी है, हैंड शावर यहाँ पर फिट रहेगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस कवर को और जेड स्प्रे का कनेक्शन करना है, जेड स्प्रे की फिटिंग करना है। तो कवर के पीछे देखिए इस तरह से ये लॉक हमें दिए जाते हैं, लॉक यहाँ पर लगते हैं, देखिए इस तरह से। साथ में इसके बोल्ट भी है, तो बोल्ट में देखिए लॉक को इस तरह से, देखिए लॉक को बोल्ट में इस तरह से लगाना है, देखिए इस तरह से ये लगेंगे। और यहाँ पर देखिए इसे जो आपके पास लॉक है ये आसानी से यहाँ पर फिट हो जाएगा। हल्का सा प्रेस कर आप पहले इसमें दबा कर फिट कर लीजिए, ठीक है। हल्का सा आपको प्रेशर लगाना होगा और ये जो लॉक है ये यहाँ पर फिट हो जाएंगे, ठीक है, कवर में। और एक और ये हमारे पास लॉक है, इस लॉक को भी इस कवर में फिट कर लेना है हल्का सा प्रेस कर। देखिए हमारे पास ये लॉक फिट हो चुका है। अभी इसे यहाँ पर जो दो होल दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यह लग जाएगा इस तरह से। यहाँ पर हमारे जेड स्प्रे की फिटिंग होगी, किस तरह से जेड स्प्रे की फिटिंग की जाएगी वह भी हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा लॉक यहाँ लग चुका है, ये एक पत्ती दी जाती है जिसमें जेड स्प्रे फिट होता है, ठीक है। पत्ती देखिए इस तरह से लगाई जाएगी और यह पत्ती देखिए यहाँ पर जो जेड स्प्रे है, ठीक है, जो जेड स्प्रे वो यहाँ पर देखिए इस तरह से पत्ती में लगाया जाएगा। देखिए इस तरह से जेड स्प्रे लॉक होगा। अभी इसे हमें यहाँ पर लगा देना, देखिए जेड स्प्रे इस तरह से लॉक होगा, ठीक है, पत्ती में ये जेड स्प्रे लॉक होगा। देखिए जेड स्प्रे हमारे यहाँ पर फिट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर जेड स्प्रे के लिए हमें कवर में हल्का सा कट करना होगा ताकि जेड स्प्रे प्रॉपर आ सके। तो जेड स्प्रे के अकॉर्डिंग हमें पत्ती में यहाँ पर जो कवर है इसमें कट कर लेना है, ठीक है, और इस कवर को हल्का सा कट करना होगा ताकि जेड स्प्रे वहाँ से बाहर आ सके, ठीक है। देखिए ये जेड स्प्रे हमारा यहाँ पर आ चुका है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग की वीडियो कंटिन्यू इस तरह से अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको नॉलेज मिल सके, ठीक है। देखिए हमारे पास जेड स्प्रे की फिटिंग हो चुकी है इस कवर में, ठीक है। देखिए जेड स्प्रे यहाँ पर फिट हो जाएगा। अभी इसमें पीछे की तरफ ये लॉक दिया जाता है, तो इसमें इस तरह से लॉक को नीचे की तरफ से शीट में टाइट कर लेना है, ठीक है। लॉक हमारा प्रॉपर इस तरह से फिट हो जाएगा और इसमें वाशर आपको ज़रूर लगाना है पाइप में। और यहाँ से देखिए इस एंगल कॉक से हमारा जेड स्प्रे का कनेक्शन होगा। 2-in-1 जो एंगल कॉक है उसमें हमने हैंड शावर और फ्लश टैंक का कनेक्शन किया है। देखिए दोस्तों हमारी यहाँ पर शीट कम्प्लीट फिटिंग हो चुकी है, ठीक है। देखिए एंगल कॉक, हैंड एंगल कॉक, 2-in-1 एंगल कॉक में हैंड शावर और फ्लश टैंक कनेक्शन किया। सबसे पहले हम फ्लश टैंक को देखिए यहाँ पर चालू करते हैं। देखिए फ्लश टैंक हमारा प्रॉपर चल रहा है, ठीक है, फ्लश टैंक की कनेक्शन एकदम प्रॉपर हुआ है। अभी हैंड शावर को देखिए, हैंड शावर भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। अब हम जेड स्प्रे को भी देख लेते हैं, देखिए हैंड शावर प्रॉपर वर्क कर रहा है,
अभी यहाँ पर देखिए, जैसे एंगल कॉक को ऑन किया तो यहाँ से जेड डिस्प्ले से भी पानी आ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, वन पीस कंप्लीट शीट फिटिंग किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। सो आज के लिए इतना ही।